बहुत अच्छा था मेरा दोस्त। वैसे आप इसके क्या लगते हो? मैं इसका भाई हूँ। हाँ लगे लगे। वैसे इसके साथ खारी बटर मिल जाते तो नहीं ठीक है। मैं क्या पूछ रहा था, आप इसके 13वें को क्या मेनू रख रहे हो? इसको मीठी चीजें खाना बहुत पसंद था, सोच रहा हूँ सब मीठी चीजें रखें। गुलाब जामुन रखना और रसगुल्ले भी, और हाँ जलेबी मत भूलना। आपको पता हम जब भी बाहर रहते ना हम दोनों यही खाते थे। मैंने इसके लिए लाया था लेकिन फिर जान दो अभी। आप ये मत दादा। हम ना जब भी दारू पीते थे ना तो यही चकना खाते थे। हाँ लाइए लाइए। वैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो गाजर का हलवा भी रख देते तो। और ये कहता था कि भाभी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आज कुछ बना है? वो भाभी जी नहीं, मैं बनाता था। तो आज क्या बना है? कुछ नहीं रेंदी जी। आपको पता है हम कभी भी सिगरेट पीते थे ना तो उसके बाद हैपेडन खाते थे कि घर वालों को शक नहीं होना चाहिए। और दो में से एक ये खाता था और एक मैं। फिर जान तो अभी तो मर चुका है, क्या खाएगा? मैं भी से बात कर रहा हूँ। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि ये मरा कैसे। वो चिप्स खा रहा था ना। तू मेरे को एक बात बता, तूने परसों के दिन जो पूड़ी लाया था वो कहाँ से लाया था? वो क्या है, समीर ने मेरे को एक पूड़ी दिया लेकिन यार उसमें वो मजा नहीं है। तूने जो पूड़ी लाया था ना जबरदस्त, तेरे भाई को वो पूड़ी चाहिए। तू लाएगा ना वो पूड़ी? तू एक काम कर, तू मेरे को बता कहाँ से लाया था तूने पूड़ी। मैं लाएगा ना, बता। उधर से लाया था। नेक्स्ट टाइम पूरी मैं लाएगा, ठीक है? तू अंकल ये लू क्या? इसको रखता है। मेरे को तू बता, तू मर गया ना? अच्छा हुआ तू मर गया। वो क्या है, जिंदगी आसान नहीं है रे, मरना आसान। ये कुछ चीजें हैं जो जिंदगी को रंगीन बनाती है, वही है बस। लेता है इसको मैं। तू मर गया। मर गया तू। देखो जे ठीक है, नहीं मैं भी था।
तेरे को याद है अपन ने पहली बार बीड़ी पिए थे, तेरे पापा ने पकड़ा था, कितना मारा था, पूछा था कहाँ से लाया बीड़ी, कहाँ से लाया, अगर बता देते तो ये बीड़ी अंकल की जेब से लेके आए थे, अंकल ये बीड़ी तुम्हारी दिया। मेरे दोस्त ये क्या हो गया तेरे को? अंकल जी इसके एक आखिरी ख्वाहिश थी अंकल जी कि हमारे लिए एक क्लब हाउस बनाए, प्लीज वो बना देना। तूने नया फोन लिया था, तू क्या करेगा अभी इसे? हेलो, हाँ वो 20,000, हाँ वो मुझे दे देना, हाँ भैया ने कहा है, हाँ मुझे दे देना। हाँ जी, तूने फोन लिया था, क्या करेगा इसको लेके? छोड़, चिंता मत कर, तेरा भाई यूज करेगा इसको, मेरे पैसे नहीं वेस्ट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये पैसे मेरे को याद है, तू इससे मेरे लिए गिफ्ट लेने वाला था, अब भी मेरा बर्थडे था, टेंशन मत लेना मैं खुद ले लूंगा, तू बस बस तू मर जाया शांति से। तेरी गाड़ी की चाबियां याद है, हम दोनों साथ में घुमा करते थे, वो ऐसे पड़ी पड़ी नहीं सड़ेगी, नहीं। तेरे एक वॉच भी थी, वो मेरे दोस्त तू कैसे छोड़ के जा सकता है मेरे को? अंकल जी अगर इसकी कुछ खास और बड़ी चीज रहेगी तो मुझे दे देना इसकी याद के तौर पे, मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है अंकल जी, चलता हूँ। हेलो सलमान, हेलो शाहरुख, हेलो ऋतिक, हेलो आमिर, हेलो रणबीर, भाई नहीं रहा। देख स्नेह का स्नैप आया है, अब उसे मैं क्या बोलूं? एक स्नैप भेज देता हूं। वो क्या है ना, स्ट्रीट भी बहुत जरूरी होती है। वैसे तेरे मैयत पे आने का मेरा कोई ख्याल नहीं था, यही से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तेरे बाजू में ही दो खूबसूरत लड़कियां रहती हैं, इसी वजह से मैं यहाँ आ गया।
मेरी भाभी, तू उसका टेंशन मत ले। वैसे अब वो मेरी भाभी तो रही नहीं क्योंकि तू तो मर गया, लेकिन वो जब रोकर मेरे सीने से लगेगी ना, मैं उसे तेरी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जब भी वो मुझे टच करेंगे ना, मैं उसे कहूँगा कि वो मुझे तू समझ के टच करे। तूने अपने मोबाइल का पासवर्ड अगर मुझे दे के मरता तो क्या प्रॉब्लम थी? तेरे ग्रुप पे जो लड़कियाँ हैं मैं उनसे तो बात कर लेता। एक बात बता, इंस्टाग्राम पे जो एंजल है क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? और इंस्टाग्राम पे तेरे जितने भी लड़कियाँ हैं ना, मैं उन सबको रिक्वेस्ट भेजूंगा, मैं उन सबसे बात करूंगा। नेहा का फोन है। हेलो। हाँ नहीं वो तो मर गया, मैं आ रहा हूं। दोस्त ये तुझे क्या हो गया? अब मेरे साथ पढ़ाई कौन करेगा? हम हमेशा साथ में पढ़ते थे और पढ़ाई की बातें करते थे, अब मेरे साथ कौन पढ़ेगा? कौन वो सब पढ़ाई की बातें करेगा? तेरी ये किताबें जो तूने मुझे दी थी, अब मैं किसे दूँ? किताबों से याद आया हमारा एक फेवरेट टॉपिक था, वो मैं तुझे आखिरी बार सुनाने चाहता हूँ। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रोफेसर मार्शल से याद आया कि मेरा एक सम सॉल्व करना बाकी था। अभी तो एग्जाम भी आने वाले थे, तूने मेरे साथ चैलेंज भी लगाया था कि कौन फर्स्ट आएगा। अब तो तू नहीं रहा, अब तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा।